हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ दिशा और दूरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कुछ। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर होता है पूरब और ऊपर की ओर होता है उत्तर और बाएँ की ओर होता है पश्चिम और नीचे की ओर होता है दक्षिण। और देखिए इनके बीच में जो होता है ये इस टाइप से यहाँ होता है उत्तर पूर्व का एरिया होता है, क्योंकि इधर से उत्तर और इधर से पूर्व। और इसी तरह देखिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम का एरिया हो गया। इसी तरह देखिए इधर से ये हो जाएगा दक्षिण और ये उधर से हो जाएगा पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व का हो जाएगा एरिया और ये एरिया हो जाएगा दक्षिण और इधर से पश्चिम। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि इसकी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए हमें, किधर को कौन सी दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आइए अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब दायां बायां मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उत्तर साइड में इधर होता है दायां और उत्तर साइड में इधर होता है बायां, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसे ट्रिक कैसे होगी, इसकी बनाने की ट्रिक क्या है। इधर हमने उत्तर में बायां लिया तो जस्ट इस क्वाड्रेंट में इधर दायां ले लो। अब इधर दायां आया तो अब इधर से शुरू करेंगे, फिर बायां, फिर नीचे दायां, फिर इधर से बायां, फिर इधर दायां, अरे इधर ऊपर बायां, अरे फिर इधर दायां। तो ये देखिए दायां बायां मुड़ने के लिए जब कहा जाएगा, अगर कहा जाए कि पश्चिम में कोई व्यक्ति पश्चिम में गया और बायां मुड़ा, तो पश्चिम में बायां किधर को मुड़ेगा, वो इधर की ओर जाएगा और बायां मुड़ेगा नीचे की ओर। और इसी तरह कहा जाए कि कोई व्यक्ति दक्षिण में गया और दायां मुड़ा, तो दक्षिण में जाएगा नीचे और दायां मुड़ जाएगा इधर, क्योंकि दायां इधर ही है। तो इस टाइप से हम डायरेक्शन के हिसाब से मुड़ते हैं। आइएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोहन उत्तर की ओर जा रहा है, सोहन दाएं मुड़ता है और फिर तो उत्तर की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ता है, तो सोहन उत्तर की ओर गया, ये यहाँ से देखिए ऊपर होती है उत्तर डायरेक्शन, तो ऊपर गया फिर दाएं मुड़ा, तो उत्तर में दाएं देखिए किधर होता है, ये इधर होता है, देखिएगा डायग्राम में दाएं इधर होता है, तो उत्तर में दाएं की ओर मुड़ गया और फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, तो जब इधर की ओर मुड़ जाएगा वह उत्तर में, तो ये देखिए कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, पूरब में, तो पूरब में फिर दाएं मुड़ना है, तो पूरब में दाएं किधर होता है, नीचे, तो वो फिर नीचे की ओर मुड़ जाएगा। फिर उसमें कहा गया है फिर बाएं मुड़ता है, तो अब वो नीचे की ओर आया तो नीचे बाएं किधर होता है, देखिएगा बाएं होता है इधर, तो वो इधर की डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो अब सोहन किस दिशा में जा रहा है, तो सोहन किस दिशा में जा रहा है, पूरब में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। दूसरा क्वेश्चन है, मनीष दक्षिण की ओर 21 किलोमीटर गया, तो मनीष दक्षिण की ओर 21 किलोमीटर गया, यहाँ से मनीष चलना शुरू किया ऐसे, तो ये 21 किलोमीटर नीचे की ओर दक्षिण होता है, क्योंकि देखिएगा वो नीचे की ओर 21 किलोमीटर गया। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण में दायां किधर होता है, देखिएगा इधर, तो यानी कि वो इधर की ओर मुड़ जाएगा और 19 मीटर जाता है, तो ये 19 मीटर इधर जाता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो देखिए जब इधर की ओर आ जाएगा वह, तो इधर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पश्चिम, और कहा जा रहा है फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम में बायां किधर होता है, पश्चिम में बायां होता है नीचे की ओर, देखिएगा तो वो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, 11 किलोमीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, 19 मीटर जाता है, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, तो वो फिर बायां इधर होता है, क्योंकि नीचे की ओर बायां इधर जाएगा, वो 19 मीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ए से सी तक की दूरी बतानी है हमें, ए से लेके सी तक की दूरी, तो ए से लेके बी तक की दूरी तो हो गई हमारी 21, और बी से सी तक की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी, तो ये वाली की दूरी, क्योंकि ये दोनों दूरी समांतर हैं, तो 11, 21 और 11 कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 32 किलोमीटर, तो वो 32 मीटर, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 32 मीटर की दूरी पर है, इसका आंसर हो जाएगा 32 मीटर की दूरी पर। तीसरा क्वेश्चन है, सीमा बिंदु ए से चलना शुरू करती है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर जाती है, तो उत्तर की ओर जाएगी, देखिए यहाँ से सीमा ने शुरू किया चलना मान लो ए से, और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गई, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर, तो 6 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, तो बायां किधर होता है उत्तर में, देखिएगा ये बायां होता है इधर, तो इधर की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, तो ये 8 किलोमीटर चलती है और फिर पुनः बाएं मुड़ती है, तो जब इधर डायरेक्शन में आ जाएगी तो पश्चिम में बायां होता है नीचे, तो फिर बाएं मुड़ती है, तो नीचे की ओर मुड़ जाएगी और 12 किलोमीटर चलती है, तो 12 किलोमीटर चलती है। सीमा की दिशा कौन सी है, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, तो सीमा की दिशा कौन सी हो जाएगी इसमें आंसर में, दक्षिण आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिण, सीमा कौन सी दिशा में जा रही है, दक्षिण में। चौथा क्वेश्चन है, राम अपने घर से 10 मीटर
दक्षिण में चलता है, तो माना यहाँ घर है राम का, ये घर है हरा बिंदु पर। नीचे की ओर 10 मीटर चलता है, क्योंकि दक्षिण नीचे की ओर होता है। फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर होता है दक्षिण में, इधर की ओर होता है बायां, तो इधर की ओर मुड़ जाएगा। और 25 मीटर जाता है, तो 25 मीटर चला गया इधर। फिर अपने बाएं मुड़ता है, जब इधर की ओर आया तो इधर पूरब दिशा आ गई, पूरब में बायां होता है ऊपर की ओर, तो वो ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। और 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर चलता है वो, 40 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर, तो ऊपर उत्तर की ओर में दायां किधर होता है इधर, तो इधर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो उसका स्कूल किस दिशा में है, तो मैंने बताया था देखिए इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि वो, तो इस डायरेक्शन में कौन सा होता है, उत्तर और पूरब। तो उसका घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है, उत्तर पूरब में उसका घर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।